We will take some more examples related to the Turing machines. Let's say the language that we're taking is A power n, B power n, and C power n, where n is greater than or equal to 1. तो यहाँ पे जो लैंग्वेज बता रहा है कि इसमें एज होंगे, बीज होंगे और सीज होंगे. ए बी और सी की संख्या सेम होगी, इक्वल होगी. तो इस इसके लिए अगर हम एक छोटी सी स्ट्रिंग इसकी कंसिडर कर लें और इसको हम एक टेप पे अरेंज कर दें, क्योंकि तो ट्यूरिंग मशीन के लिए हमें एक टेप की जरूरत पड़ेगी. और इसी टेप्स के एक्शन से हम ये डिसाइड करेंगे कि कैसे ए और बी और सी के काउंटिंग को मैच करना है. सो लेट्स से दिस इज ट्रिपल ए, ट्रिपल बी एंड लेट्स से ट्रिपल सी. सो दीज आर दिस इज दी स्ट्रिंग, वन ऑफ द स्ट्रिंग दैट वी हैव टेकन एंड इज इक्वल टू 3 इन दिस केस. सो यहाँ पे टेप है, टेप में बहुत सारे ब्लैंक्स होंगे और इसके पहले बहुत सारे ब्लैंक्स होंगे, एंड इसी तरह से राइट साइड में भी ब्लैंक्स होंगे और बहुत सारे ब्लैंक्स होंगे. सो ये जो टेप मेरे मैंने कंसिडर किया है, ये इनफाइनाइट लेंथ का एक टेप है. तो एक्शन हम क्या परफॉर्म कर सकते हैं, एक बार अगर हम अलग से लिख लें इसी की एक स्ट्रिंग, तो मैं काम कर सकते हैं कि जो स्मॉल ए है उसको कन्वर्ट कर लेते हैं एक्स में और आगे चले जाते हैं. जब पहला बी मिलेगा तो इसको वाई में कन्वर्ट कर लेते हैं और आगे चले जाते हैं. जो पहला सी मिलेगा उसको जेड में कन्वर्ट करके पीछे की तरफ आते हैं, और पीछे की तरफ आने के बाद जो सेकंड ए मिले उसको हम अगेन एक्स में कन्वर्ट करके आगे की तरफ जाते हैं. जो सेकंड बी मिले उसको हम वाई में कन्वर्ट करके आगे की तरफ जाते हैं. जो सेकंड सी मिले मैं उसको जेड में कन्वर्ट कर देता हूँ एंड देन पीछे की तरफ आता हूँ. अगर पीछे की तरफ मैंने देखा कि सारे एज ऑलरेडी कन्वर्टेड हैं, सारे एज ऑलरेडी कन्वर्टेड है एक्स में, देन अभी चेक कर लेते हैं कि क्या सारे बीज भी कन्वर्टेड है एक्स में, सॉरी वाई में. और अगर सारे सीज भी कन्वर्टेड हैं जेड में, तो इसका मतलब है कि मेरी स्ट्रिंग मैच कर गई है. तो आइए हम एक काम करते हैं, इसके लिए ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करते हैं. सो लेट्स से वी आर एट द क्यू जीरो स्टेट, और क्यू जीरो स्टेट में जो कंट्रोलर है वो यहाँ पे है, पहले ए पे है. और हमने क्या किया कि जो पहला ए है उसको एक्स में कन्वर्ट कर दिया और आगे की तरफ चले गए, राइट की तरफ चले गए. तो मुझे स्मॉल ए मिला, मैंने इसको एक्स में कन्वर्ट करके राइट की तरफ चले गए. सो लेट्स से वी आर एट दी क्यू वन स्टेट. आगे मुझे बहुत सारे एज मिलेंगे, इन सभी एज को छोड़ते छोड़ते मैं आगे की तरफ जाना है और पहले बी की तलाश करनी है. तो मुझे ए मिलेगा तो मैं इसको ए ही छोड़ के राइट की तरफ मूव करूंगा. ए मिला, ए मिला, मैं इसको छोड़ के आगे राइट की तरफ मूव करता हूँ जब तक कि मुझे बी ना मिल जाए. तो जैसे ही मुझे पहला बी मिला है, मैं इस पहले बी को कन्वर्ट कर देता हूँ वाई में और इसको कन्वर्ट करके राइट की तरफ मूव करते हैं. लेट्स से हम टू टू स्टेट में पहुंच गए. तो पहला जो बी है मैंने इसको वाई में कन्वर्ट करके आगे राइट की तरफ गया हूँ, मुझे फिर से बी मिला. इस बी को मैं छोड़ दूंगा ऐसे ही, केवल पहले बी को ही चेंज करना था. या जो फर्स्ट बी मुझे मिला रास्ते में, मैंने उसको वाई में कन्वर्ट कर दिया. स्मॉल बी मिला, मैं इसको छोड़ते हुए आगे की तरफ जाता हूँ. फिर बी मिला, मैं इसको छोड़ते हुए आगे जाता हूँ. और जैसे ही मुझे पहला सी मिला, मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ जेड में. जब सी मिला, मैं इसको जेड में कन्वर्ट करके लेफ्ट की तरफ मूव करता हूँ. लेफ्ट की तरफ इसलिए मूव कर रहे हैं क्योंकि एक ए के कोरस्पॉन्डिंग बी मिल गया है, बी के कोरस्पॉन्डिंग सी मिल गया है, अब मुझे पीछे की तरफ मूव करते हैं. जैसे मैंने पहले सी को जेड में कन्वर्ट कर दिया, वैसे ही मैं लेफ्ट की तरफ मूव करता हूँ. लेफ्ट में आपको बी दिखे, इन बीज को मुझे छोड़ते हुए पीछे की तरफ जाना है, मुझे अब ए की तलाश फिर से करनी है. तो इसलिए मैं बी को छोड़ते हुए लेफ्ट की तरफ मूव करता हूँ. अगेन मुझे बी मिला, मैं इसको छोड़ते हुए लेफ्ट की तरफ जाता हूँ. फिर मुझे वाई मिला है, मैं इसको भी छोड़ देता हूँ और लेफ्ट की तरफ मूव करता हूँ. फिर मुझे कुछ एज मिले, मैं इन एज को भी छोड़ देता हूँ और लेफ्ट की तरफ मूव करता हूँ. और अब मैं एक्स पे पहुंच गया हूँ. इस एक्स पे पहुंचने का मतलब क्या है कि इसके जस्ट आगे वाला कैरेक्टर ए होना चाहिए. तो एक्स को मैं एक्स ही छोड़ते हुए आगे चला जाता हूँ. सो मैंने एक्स को एक्स छोड़ दिया और राइट की तरफ गए. टेप पर जो एरोज हैं उसको चेंज करता हूँ. करंट की कंडीशन है कि जो पहले मुझे एक्स मिला था, मैं एक्स को छोड़ के राइट की तरफ जा रहा हूँ. ट्रांजिशन डायग्राम के थ्रू अगर देखें तो हम क्यू जीरो स्टेट में आ रहे हैं. ये मेरा सेकंड ए है, इसको मैं एक्स में कन्वर्ट कर देता हूँ और राइट की तरफ मूव करता हूँ. इसका मतलब कि क्यू जीरो से मैं मूव कर रहा हूँ अब क्यू वन स्टेट की तरफ. कंट्रोलर मेरा ए के पास है. इस ए के कोरस्पॉन्डिंग में कोई एक्शन नहीं लूंगा क्योंकि मुझे
बी के कोरस्पॉन्डिंग एक्शन लेना है। तो इस ए को मैं ए में ही रहने देता हूँ और राइट की तरफ मूव करता हूँ। फिर इसके बाद मुझे रास्ते में वाई मिला, इस वाई को भी मैं छोड़ते हुए आगे जाऊंगा क्योंकि तो मुझे बी की तलाश है। तो वाई को मैं वाई में ही छोड़ के आगे जाता हूँ राइट की तरफ। अब मुझे बी मिल गया है, इस सेकेंड बी को मैं वाई में कन्वर्ट कर दूंगा। तो सेकेंड बी को मैं वाई में कन्वर्ट करूंगा और राइट की तरफ जाऊंगा। राइट की तरफ जाने का ये मतलब है कि मैं अब कंट्रोलर को आगे राइट की तरफ मूव करा देता हूँ। मुझे अब सी की तलाश है लेकिन मिला मुझे बी है। इस बी को मैं बी ही छोड़ दूंगा और राइट की तरफ मूव कर जाऊंगा। मैं यहाँ पहुंचा हूँ, यहाँ मुझे एक जेड मिल रहा है, इसकी भी मुझे जरूरत नहीं है अभी। तो मैं जेड को जेड ही छोड़ देता हूँ और राइट की तरफ आगे चलता हूँ। अब मुझे सी मिला है तो इस सी को मैं जेड में कन्वर्ट कर दूंगा। सी को मैं जेड में कन्वर्ट करके, सी को जेड में कन्वर्ट करके मैं लेफ्ट की तरफ चलूंगा। और लेफ्ट में जब मैं चलूंगा तो मुझे अब अगेन ए की तलाश है क्योंकि ए के कोरस्पॉन्डिंग बी मिला, बी के कोरस्पॉन्डिंग सी मिला। मैंने इसको एक्स वाई जेड रेस्पेक्टिवली में चेंज कर दिया। अब मैं पीछे की तरफ या लेफ्ट की तरफ चल रहा हूँ। तो एक बार फिर से कंट्रोलर देखते हैं कहाँ पे है। मैंने सी को चेंज कर दिया है जेड में और पीछे चलाया हूँ और ये वाला जो करेक्टर है वो जेड है। तो इस जेड को मुझे जेड ही छोड़ना है और लेफ्ट की तरफ आना है। अब मुझे बी मिला, बी को मुझे बी छोड़ना है और लेफ्ट की तरफ चलेंगे। मुझे वाई मिला, उसको मैं वाई ही छोड़ के लेफ्ट की तरफ चलता हूँ। फिर वाई मिला, वाई को वाई छोड़ के लेफ्ट में चलता हूँ। अब मुझे ए मिला है, इसको मैं ए ही छोड़ के लेफ्ट की तरफ चलता हूँ। तलाश मुझे एक्स की है और जैसे ही एक्स मिला मैं उसको एक्स ही छोड़ के आगे मूव करता हूँ और क्यू जीरो स्टेट में पहुंच जाता हूँ। तो एक्स को एक्स छोड़ के मैं राइट की तरफ मूव कर रहा हूँ ताकि, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड ये है कि इस एक्स के बाद मुझे फिर से स्मॉल ए मिल जाएगा। यस, मुझे स्मॉल ए मिला है इस पोजिशन पे। मैं इसको एक्स में कन्वर्ट करके राइट की तरफ चलता हूँ, मतलब क्यू वन स्टेट में आता हूँ। इसके बाद मुझे बीज मिल रहे, मुझे वाई मिल रहे हैं, मैं उसको वाई ही छोड़ के आगे चलता चला जा रहा हूँ। अभी भी मैं क्यू वन स्टेट में हूँ। अब मुझे स्मॉल बी मिला, मैं इसको जेड में कन्वर्ट कर देता हूँ क्योंकि मुझे बी मिल गया है। मैं इसको वाई में चेंज कर देता हूँ, नॉट जेड, वाई में चेंज कर देता हूँ। सो बी को मैं वाई में चेंज करके आगे राइट की तरफ चलता हूँ, मतलब मैं क्यू टू स्टेट में पहुंच गया हूँ। अब मुझे जेड मिल रहे हैं, मैं इन सभी जेड को छोड़ते हुए राइट की तरफ जा रहा हूँ। अब मुझे सी मिला है, सी को मैं जेड में कन्वर्ट कर दूंगा। तो सी को जेड में कन्वर्ट करके मैं क्यू थ्री स्टेट में मूव करता हूँ। इसका मतलब अब मैं लेफ्ट की तरफ फिर से मूव करूंगा। तो मैंने एस के कोरस्पॉन्डिंग बी फाइंड किया, बी के कोरस्पॉन्डिंग सी फाइंड किया और इसके बाद मैं फिर से लेफ्ट में मूव कर दूंगा। तो लेफ्ट में मुझे सी के लेफ्ट में जेड दिखा है, जेड को मैं छोड़ के लेफ्ट की तरफ चलता हूँ। फिर जेड मिला, उसको छोड़ के लेफ्ट की तरफ चलता हूँ। फिर वाई मिला, उसको मैं छोड़ के लेफ्ट की तरफ चलता हूँ। फिर वाई मिला, इसको छोड़ के मैं लेफ्ट की तरफ चलता हूँ। फिर वाई मिला, इसको छोड़ के मैं लेफ्ट की तरफ चलता हूँ। इसके बाद मुझे एक्स मिल गया है, उसको मैं एक्स छोड़ के राइट की तरफ जाता हूँ। तो मैं यहाँ पे हूँ और क्यू थ्री स्टेट में हूँ और मुझे मिलता है एक्स, इसको मैं एक्स छोड़ के राइट की तरफ चलता हूँ। तो एक्स के राइट में अभी तक एक्सपेक्टेड क्या था कि ए मिल जाएगा लेकिन अब मुझे वाई मिला। इस वाई के मिलने का मतलब ये है कि जितने भी एज थे मैंने उनको एक्स में कन्वर्ट कर लिया है। तो क्यू जीरो स्टेट में मैं हूँ और मुझे यहाँ पे वाई मिला है, इसको मैं वाई ही छोड़ के राइट की तरफ चलता हूँ। लेट से मैंने क्यू फोर स्टेट में हूँ। अब आगे मुझे वाई ही मिल रहे हैं और वाई मिलने के बाद अगर हमने ये देख लिया कि ए की संख्या फिनिश हो गई है तो इसका मतलब क्या है कि अब बी भी फिनिश हो जाने चाहिए थे अभी तक। तो जितने वाई मुझे मिले मैंने इनको वाई ही छोड़ा और आगे की तरफ गए। और इसके बाद मुझे जेड मिला, मैं उनको जेड ही छोड़ के आगे राइट की तरफ गया। तो जेड मिला आगे, इनको मैं जेड ही छोड़ के आगे चलता रहा। तो अभी मैं यू फाइव स्टेट में हूँ और इसके बाद मुझे और भी वाईज मिल सकते हैं, उनको मैं वाई ही छोड़ के राइट की तरफ जाता हूँ। अगर ए पावर एन, बी पावर एन, सी पावर एन जैसी स्ट्रिंग है तो उस केस में जेड भी, मैंने इस पार्ट में मुझे केवल जेड ही मिलेंगे। छोटी सी गलती मेरे से हो गई, इसको कर देते हैं। दिस इज जेड जेड राइट। ओके, तो मुझे जेड ही मिलेंगे और इसके आगे सी कोई नहीं मिलेगा क्योंकि ए की संख्या बी की संख्या के इक्वल है और बी की संख्या सी की संख्या के इक्वल है।
जैसे ही मैंने लास्ट जेड को कन्वर्ट किया उसके बाद मुझे ब्लैंक मिला, और मैं ब्लैंक को ब्लैंक छोड़ के राइट जाऊं या लेफ्ट जाऊं एक ही बात है, फाइनल स्टेटमेंट में पहुंच गया। तो मैंने जैसे लास्ट जेड को देखा मैं आगे गया राइट में, मुझे ब्लैंक दिखना चाहिए, और ब्लैंक अगर दिखा है तो उसको मैं ब्लैंक छोड़ के राइट की तरफ जाता हूँ। और अब हम एक्सेप्ट कर सकते हैं क्योंकि ए की संख्या बी की संख्या के इक्वल है, बी की संख्या सी की संख्या के इक्वल है। यहाँ पे हमने ये भी वेरीफाई कर लिया कि जितने एक्स हैं उतने ही वाई हैं और उतने ही जेड हैं। कोई भी ए के कोरस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ बीस थे वो इक्वल थे, बी के कोरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ सीज इक्वल थे। सारे एज को हमने एक्स में कन्वर्ट कर दिया है, सारे बीस को हमने वाई में कन्वर्ट कर दिया है, और सारे सीज को हमने जेड में कन्वर्ट कर दिया है। कोई भी एडिशनल बी या सी नहीं है जब हम ए को फिनिश में कर दिया। सो दिस इज एक्चुअली द ट्यूरिंग मशीन फॉर ए पावर एन, बी पावर एन एंड सी पावर एन, वेयर एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल टेक मोर एग्जाम्पल्स।